आज एक धमाकेदार बैटरी ड्रेन टेस्ट लेकर OnePlus 12R का, जो कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको अंडर 40 के Snapdragon 8 Gen 2 देखने को मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर रख लिया Realme की तरफ से Realme 12 Pro Plus को, Redmi की तरफ से Redmi Note 13 Pro Plus को, और यहाँ Vivo V29 को, और लास्ट में यहाँ पर रख लिया हमने Samsung Galaxy S21 FE को। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे किसकी बैटरी सबसे ज्यादा बैकअप निकाल कर देती है। लेकिन वो सबसे पहले बैटरी की बात करें तो आपको OnePlus 12R में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, वहीं पे Realme 12 Pro Plus और Redmi Note 13 Pro Plus इन दोनों में ही आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, वहीं Vivo V29 में आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, और वहीं लास्ट यहाँ पे Samsung S21 FE में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो इन सब में बैटरी तो आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे रियल टेस्ट में एक कैसा बैटरी बैकअप निकाल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले 2 आवर का YouTube वीडियो प्लेबैक टेस्ट। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है गाइस। देखिए मैंने सारे फोन को फुल चार्ज करके रखे आपके सामने, सभी फोन में 100% बैटरी है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी फोन की ब्राइटनेस 100% पर सेट है, और सभी यहाँ पर डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट पर सेट है। लेकिन देखते हैं कि लास्ट रिजल्ट कैसा रहता है इन चारों फोन का। बाकी सभी जो फोन है मेरे सेम वाईफाई से कनेक्ट है, यानी कि एयरटेल फाइबर से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट यूट्यूब वीडियो प्लेबैक टेस्ट 2 आवर के लिए, और गाइस यहाँ पर देखते हैं 2 आवर में कितना बैटरी कंजप्शन करते हैं सारे डिवाइस। और हो गया हम लोग बैटरी ड्रेन टेस्ट को चलते हुए, अब यहाँ बैटरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। OnePlus 12R में है 91%, Realme 12 Pro Plus में यहाँ पे है 85%, Redmi Note 13 Pro Plus में यहाँ पे है 84%, Vivo V29 में यहाँ पे है 87%, और यहाँ पर आप देखोगे Samsung S21 FE में है 78%। तो भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया हम लोग का Samsung Galaxy S21 FE ने 22%। यूट्यूब में लेकिन सबसे बैटरी कम ड्रेन हुआ हम लोग का यहाँ पे OnePlus 12R में, सिर्फ 9%। यूट्यूब वीडियो के बाद हम लोग अपने सारे स्मार्टफोन में 2 घंटे के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं 1080p 30 fps। चार घंटे हो चुके हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट को, और बात करें बैटरी परसेंटेज की तो यहाँ पे हम लोग का OnePlus 12R हो चुका है 60%, और यहाँ पे Realme 12 Pro Plus हो चुका है 53%, और यहाँ पे Redmi Note 13 Pro Plus हो चुका है यहाँ पे 47%, और यहाँ Vivo V29 हो चुका है 52%, और वही आप यहाँ पर देखोगे Samsung Galaxy S21 FE हो चुका है हम लोग का इसमें 32%। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग अपने सारे डिवाइस में 2 घंटे के यहाँ BGMI रन करने वाले हैं स्मूथ एक्सट्रीम पे।
बैटरी परसेंट की सभी स्मार्टफोन की वन प्लस ट्वेल्व आर है यहाँ पे 29% पर, रियलमी 12 प्रो प्लस है यहाँ पे 22% पर, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस हम लोग यहाँ पे 14% पर, और वही व्यू भी 29 यहाँ पे है 17% पर, और बाकी यहाँ पे हम लोग का सैमसंग S21 ए फिर डेड हो चुका है। और बाकी आप चलते हैं अपने फाइनल राउंड पे जो की वीडियो एडिटिंग टेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ हमें सेम 10 मिनट का वीडियो इम्पोर्ट कर लिए हैं और इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60fps हाईएस्ट रेजोल्यूशन पर, और देखते हैं कि चारों फोन में से कौन सा फोन वीडियो को जल्दी से एडिट करके देता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग के सभी राउंड खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर वन प्लस 12R में 25%, रियलमी 12 प्रो प्लस में 18% और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में 10%, और बाकी यहाँ पे व्यू 29 में 12% बैटरी बचा है। तो हम यहाँ फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं जब तक कि बैटरी ना खत्म हो तब तक, और देखते हैं कि चारों डिवाइस कितने मिनट के बाद यहाँ पे डेड होते हैं। और जैसा कि भाई आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोग एक डिवाइस में 8 आवर्स ऊपर का ही बैटरी बैकअप मिला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग के Redmi Note 13 Pro Plus में 5 mAh बैटरी मिलने के बाद भी Vivo U29 से काफी कम बैटरी बैकअप देखने को मिला है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि नंबर वन पे हम लोग यहाँ पे वन प्लस 12R, और सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे Realme 12 Pro Plus, और वही थर्ड नंबर पे हम लोग यहाँ पे Vivo U29, और वही चौथे नंबर पे हम लोग यहाँ पे Redmi Note 13 Pro Plus, और वही लास्ट में आया हम लोग के यहाँ पे Samsung S21 FE। बाकी भाई आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है गाइस। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।